बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग सेकंड लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आई कम पार्ट वन। असूल माशियात आई कम पार्ट वन का सब्जेक्ट है, इसका आज सेकंड लेक्चर अब हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर वन का सेकंड क्वेश्चन, गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल एंड गिव ए क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ इट। आर इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेलफेयर, डिस्कस। आर डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ प्रोफेसर मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है और वो तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की तारीफ बयान करें, इसका तनकीदी जायज़ा पेश करें, या फिर माशियात फलाह बहबूद का इल्म है बहस करें। मार्शल की तारीफ की खूबियाँ और खामियाँ बयान कीजिए। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है इकोनॉमस, उससे ये ड्राइव किया गया और इसके मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर्स। और इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की बुक से पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स का हिस्सा समझा जाता था और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाता था। स्कूल ऑफ थाट, स्कूल ऑफ थाट के बारे में भी पिछले लेक्चर में मैंने गुफ्तगू की थी कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम ओपिनियन इज़ कॉल्ड स्कूल ऑफ थाट। ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी राय एक जैसी हो उसको हम स्कूल ऑफ थाट का नाम देते हैं। और इकोनॉमिक्स में तीन स्कूल ऑफ थाट हैं, क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट। क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट के बारे में जो लेक्चर नंबर वन था, अब लेक्चर नंबर टू में हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट को डिस्कस करेंगे। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट के जो फाउंडर हैं वो हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से एक बुक लिखी थी और उसमें इन्होंने जो कंसेप्ट पेश किया था वो ये था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। और इनकी डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज़ दिस साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग। यानी इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो वेल बीइंग, खुशहाली, और उस खुशहाली के लिए हमें मटीरियल रिक्विजिट्स चाहिए, मादी ज़रूरियात हैं, कुछ मादी लवाजमात चाहिए। उस मादी लवाजमात में सबसे बड़ा सोर्स है वेल्थ, और यानी इस मटीरियल रिक्विजिट से मुराद यहाँ पे वेल्थ है। इसे किस तरह हासिल करना है, किस तरह इसे यूज़ करना है, इसके हवाले से जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल ये इकोनॉमिक्स में। अब ये जो हम मटेरियल रिक्विजिट्स को हासिल करते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं, इस दौरान हमारे एक्शंस दो तरह के हैं, एक इंडिविजुअल या सोशल। यानी हम या तो इनफरादी तौर पर कुछ ऐसे एक्शंस एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिनसे हमें ऐसी चीज़ें हासिल हो सकें, ऐसी दौलत हासिल हो सके जिससे हमारी खुशहाली हो, जिससे हम हमारी वेलफेयर में इजाफा हो सके। ये एक्शंस इंडिविजुअल भी हो सकते हैं इनफरादी तौर पर और सोशल भी, यानी कलेक्टिव। जहरी बात है कि हम जो इंसान हैं हम अपनी इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, और माशरे की अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी हम कुछ काम करते हैं, वो सोशल एक्शंस होंगे, वो कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स का अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल जो बेसिक कंसेप्ट है वो है ह्यूमन वेलफेयर, इंसानी फलाह बहबूद। इसकी डेफिनेशन के चार पॉइंट अहम है। सबसे पहला अहम पॉइंट है यूज़फुल साइंस। जो इकोनॉमिक्स है ये एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स को एक यूज़फुल सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि इसने एल्फ्रेड मार्शल ने इंसान की फलाह बहबूद का जिक्र किया अपनी डेफिनेशन में। और इंसान की जो कोशिश है इस दुनिया में वो भी यही है कि वो खुश रह सके। एल्फ्रेड मार्शल ने इंसान में अपनी इंटरेस्ट शो करके, इंटरेस्ट दिखाकर इस सब्जेक्ट को अहमियत दी और इसे एक मुफीद इल्म बनाया, यूज़फुल सब्जेक्ट बना दिया।
सेकंड पॉइंट है कि इसमें सिर्फ उन लोगों के ज़िंदगियों की, उन लोगों की एक्टिविटीज़ को, उन लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जाता है जो कि सोसाइटी में रहते हैं, जो सोसाइटी से आइसोलेट होकर अलग होकर रहते हैं, उनको अल्फ्रेड मार्शल अपनी डेफिनेशन में शामिल नहीं करता। इसमें सेंट्स हैं जैसे सूफी किस्म के लोग, और हर्मिट्स साधु, और मैड पागल, इनको शामिल नहीं करता। और वो लोग जो जंगलों में निकल जाते हैं रहने के लिए, दुनिया को छोड़कर, सोसाइटी को छोड़कर, उनको भी ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं करता। थर्ड है द स्टडी ऑफ एफर्ट्स कंसर्न विद मटेरियल रिक्विजिट्स। अब हमारी जो एफर्ट्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, मटेरियल रिक्विजिट्स के लिए और नॉन मटेरियल के लिए, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ मटेरियल रिक्विजिट्स को ही अपनी डेफिनेशन में शामिल किया। और ये मटेरियल रिक्विजिट्स है सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अब यहाँ पे हमारी मतलब इन इकोनॉमिक्स द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, हमारी जो इनफरादी और जो सोसाइटी के साथ मिलकर इज्तमाही कोशिशें हैं विच आर कंसर्न, जिनका तल्लक है विद मटीरियल वेलफेयर, जिनका मादी जो हमारी फलाह बहबूद है उससे तल्लक है, वो डिस्कस किए जाते हैं इसमें। नंबर फोर है नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, रादर इट स्टडीज वेल्थ सो दैट द बेसिक नेसेसिटीज विच इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर मे बी परचेज्ड। यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल रिक्विजिट्स, ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ के हम के ऊपर हम दौलत खर्च करें जिनसे हमें खुशहाली मिल सके। यानी दौलत जो है वो इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ, ये एडम स्मिथ ने कहा था, और अल्फ्रेड मार्शल इससे एग्री ज़रूर करता है, लेकिन उसने कहा कि दौलत इसलिए ताकि इंसान ऐसी चीज़ें खरीद सके जिससे उसको खुशहाली मिलती है। नेक्स्ट इसकी खूबियाँ, सबसे पहली है द बेटर दैन द प्रीवियस डेफिनेशन, सबका तारीफ़ों से ये बेहतर तारीफ़ है। मार्शल की जो डेफिनेशन है वो एक तो बेहतर है एडम स्मिथ की डेफिनेशन से, और कंप्रीहेंसिव भी है। यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो एडम स्मिथ और उसके जो पैरोकार हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक्स की, अल्फ्रेड मार्शल की ये डेफिनेशन उनकी डेफिनेशन से बेहतर है। क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने दौलत का इल्म तो कहा था इसे, लेकिन उसने कहा था दौलत का जो मकसद है वो है इंसानी खुशहाली। इस वजह से इसकी डेफिनेशन जो है पिछली जितनी भी डेफिनेशन है उससे उनसे बेहतर है, क्योंकि इसने इंसान की फलाह बहबूद में, ह्यूमन वेलफेयर में इंटरेस्ट शो की थी अपनी। नंबर टू है कंप्रीहेंसिव एंड क्लियर, वाजे और जामे। जो मार्शल्स डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, क्लियर एंड कंप्रीहेंसिव। इसकी जो डेफिनेशन है बड़ी सादा है, साफ और बिल्कुल वाजे है, और जामे भी है। इट हैज़ नो डाउट एंड एम्बिग्विटी, इसमें किसी किस्म के शक व शुबात नहीं है। The study of the definition clarifies the subject matter of economics. यानी इसकी जो definition है वो अपने subject matter को define करती है, clarify करती है, उसको explain करती है, जबकि Alfred Marshall की जो definition थी उसमें wealth का concept clear नहीं था। Man wants to lead a prosperous life, हर शख्स ये चाहता है कि हर शख्स तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजारे और तरक्की करे अपनी ज़िंदगी में। इस ऑब्जेक्टिव को यानी प्रॉस्पीरियस लाइफ को अटेन करने के लिए, टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव ही नीड्स मटेरियल रिक्विजिट्स, उसे मादी लवाजमात की ज़रूरत है। एंड ही स्ट्रगल्स, वो ये मादी लवाजमात से मुराद यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिट से मुराद वेल्थ ले लें, कि वो उसे इस अपनी प्रॉस्पीरियस लाइफ के लिए क्या चाहिए, वेल्थ, मटेरियल रिक्विजिट्स। एंड ही स्ट्रगल टू अटेन एंड यूज़ देम, वो इन्हें हासिल करने के लिए और इन्हें हासिल करने की कोशिश करता है और इनको इस्तेमाल करता है। दिस स्ट्रगल ऑफ मैन फॉर द अटेनमेंट ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स इज डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स। यानी ये जो स्ट्रगल है कि वो मटीरियल रिक्विजिट्स किस तरह हासिल करे और किस तरह इस्तेमाल करे, इसको ही इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। नंबर थ्री, सोशल साइंस, माशरती इल्म। हर वो इल्म
जिसका तल्लक इंसानों से है, जिसका तल्लक सोसाइटी के साथ है, उनके माशरे के साथ है। देखें, हम इनफरादी तौर पर भी और कलेक्टिवली भी खुशहाल रहना चाहते हैं, हम इंडिविजुअल और सोशली रहना चाहते हैं ज़्यादातर खुशहाल। अब अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस इन विच मैन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट पोजिशन, यानी इसमें जो मरकजी हैसियत है वो इंसान की है, इंसान के जो इकोनॉमिक माशी मसाइल हैं उसकी है। दिस साइंस स्ट्रेसेस ऑन मैन्स वेलफेयर, ये जो साइंस है ये इल्म इंसान की फलाह बहबूद पे जोर देता है, एंड मैन्स वेलफेयर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस साइंस, इस इल्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंसान की फलाह बहबूद। लेकिन ज़ाहरी बात है कि हर वो मैंने जैसे पहले बताया कि हर वो सब्जेक्ट जिसका हमारे माशरे से तल्लक होगा, जिसका टॉपिक इंसान होगा, इंसान की खुशहाली है, वो एक माशरती इल्म है, वो सोसाइटी के लिए मुफीद है, यूज़फुल है। नंबर 4, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, इनफरादी और इज्तमाही कोशिशों का मुताला है। अकॉर्डिंग टू मार्शल्स डेफिनेशन, इकोनॉमिक स्टडीज बोथ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स टू मेक ह्यूमन लाइफ prosperous provided that these efforts are made living in the society। अब इंसान की एफर्ट क्या होता है, वो चाहे इनफरादी तौर पे कर रहा हो, चाहे वो कलेक्टिवली कर रहा हो, ताकि वो एक कामयाब ज़िंदगी बसर करे, फलाह बहबूद हासिल करे, उसके लिए जो उसे मटीरियल रिक्विजिट्स चाहिए उसकी एफर्ट्स का, इस तरह की एफर्ट्स का इसमें जिक्र है। लेकिन वो जो एफर्ट्स हैं वो सोसाइटी में रहते हुए होनी चाहिए, यानी वो लोग जो सोसाइटी से कट कर रहते हैं, जैसे पहले जिक्र किया था, उनको ये अपने अपनी डेफिनेशन में, अपने सब्जेक्ट में ज़ेर बहस नहीं लाता। लेकिन वो लोग जो माशरे में रहते हुए अपनी खुशहाली पे काम करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कलेक्टिव हो, उसको इस डेफिनेशन में शामिल किया गया। नंबर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, दौलत की अहमियत। मार्शल डेफिनेशन एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, मैन स्ट्रगल्स टू गेट वेल्थ बिकॉज वेल्थ हेल्प्स टू अटेन मटीरियल वेलफेयर, इंसान दौलत हासिल करने की कोशिश करता है और दौलत के ज़रिए इंसानी फलाह बहबूद, अपनी खुशी, अपनी खुशहाली हासिल करने की कोशिश करता है, इसलिए दौलत अहम है। नंबर 6 है हारमोनियस विद मॉडर्न इकोनॉमिक थियोरीज, जदीद माशी नज़रियात से हम आहंगी। अब जदीद जो माशी नज़रियात हैं, इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं, दो हैं, एक है इकोनॉमिक प्लानिंग और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किसी भी मुल्क के लिए ये दोनों सब्जेक्ट ज़रूरी हैं कि वो किस तरीके से किस प्लानिंग करे और उस प्लानिंग पे अमल करते हुए किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करे, और इन दोनों का मकसद जो है वो भी इंसान की फलाह बहबूद है। अगर हुकूमतें इकोनॉमिक प्लानिंग को यूज़ करते हुए प्लानिंग करती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करती है, तो उसका बेसिक मकसद उनकी अवाम की खुशी, उनकी फलाह बहबूद है। और जबकि अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है उसमें भी वो इंसान की फलाह बहबूद का जिक्र करता है, इसलिए कहा जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन और जो जदीद माशी नज़रियात हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं, ये दोनों, इनका ऑब्जेक्टिव एक है, ये दोनों इनमें सिमिलैरिटी है, दोनों एक जैसी हैं। जिस हर सब्जेक्ट जो इंसान जिसको एक्सप्लेन करता है उसमें कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। अब हम अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन की जो कुछ खामियां हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तमाम माशी मसाइल बयान नहीं करती ये। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इंक्लूड्स इन हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली दोज एफर्ट्स विच अटेन मटीरियल रिक्विजिट्स, यानी सिर्फ उन एफर्ट्स को ये ऐड करते हैं अपनी डेफिनेशन में जिनके ज़रिए हमें मटीरियल रिक्विजिट्स हासिल होती है, मादी लवाजमात हासिल होते हैं, वेल्थ हासिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो फार्मर्स हैं, किसान, उनकी जो एफर्ट्स हैं, वो कारपेंटर जो बढ़ई हैं लकड़ी का काम करने वाले, उनकी एफर्ट, लेबरर और मज़दूर वगैरह ये जो लोग हैं, इनकी एफर्ट मटीरियल रिक्विजिट्स के लिए, यानी ये क्या करते हैं कि ये बाकायदा तौर पे काम करते हैं और इनसे हमें मटीरियल
थिंग्स ही हासिल होती है, और हर उस चीज़ को, हर उस एफर्ट को अल्फ्रेड मार्शल इग्नोर करता है जो सर्विसेज की तरह हो, जो नॉन मटेरियल हो, जैसे एफर्ट है टीचर्स की, डॉक्टर्स की और लायर्स की, इनको वो इंक्लूड नहीं करता, यानी गुड्स को ये शामिल करता है अपनी डेफिनेशन में, सर्विसेज को शामिल नहीं करता। सेकंड है इमेजरेबल कंसेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मादी खुशहाली का नाकाबले पमाइश तसव्वुर। जो वेलफेयर का कंसेप्ट है ये बिल्कुल अलग है, हर शख्स का, हर एक शख्स का जो वेलफेयर का कंसेप्ट है वह दूसरे शख्स से अलग है। जैसे एक बच्चे की वेलफेयर किसी और चीज़ में होगी, बड़े की किसी और में, बूढ़े की किसी और में, हो सकता है कि एक इलाके के शख्स के लिए एक चीज़ वेलफेयर और दूसरे इलाके के लिए वह वेलफेयर ना हो, और एक मज़हब में वेलफेयर है दूसरे में वेलफेयर नहीं है। इसी तरह जो हमारी वेलफेयर का कंसेप्ट है वो इमेजरेबल भी है। उसकी रीज़न क्या है कि वेलफेयर का तल्लक इंसानी जहन के साथ है, और इंसानी जहन की जो पमाइश है, इंसान जो ह्यूमन ब्रेन है, इसको, इसके ख्यालात, इसके एहसासात की मेजरमेंट का आला आज तक कोई ईजाद नहीं हुआ, और इसलिए कहा जाता है कि इंसानी जो खुशहाली है, मादी फलाह है, उसकी मेजरमेंट नहीं है। इंसान ये तो बता सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ या मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि मेजरमेंट करके ये नहीं बता सकता कि वो कितना खुश है। नंबर थ्री, लिमिटेड कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, सरफे दौलत का महदूद तसव्वुर। अल्फ्रेड मार्शल, जाहिर बात है हर शख्स इनकम जब कमाता है तो इनकम के, उसकी इनकम के अखराजात दो तरह की चीज़ों पे होता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों तरह के। यानी अगर मटेरियल की बात की जाए कि फूड है, ड्रेस है, रेजिडेंस है, और अपनी कुछ इनकम जो है वो करता है खर्च एजुकेशन पे, रिक्रिएशन पे, विजिटिंग पे, सैर व सियाहत पे और इलाज करवाने पे, तो ये जो अखराजात हैं दूसरे किस्म के, इनको अल्फ्रेड मार्शल अपनी डेफिनेशन में शामिल नहीं करता, क्योंकि ये नॉन मटेरियल है और वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर जो स्पेंडिंग्स हैं उनको ही अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करता है। नंबर फोर है प्रॉब्लम ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद का सवाल। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है ह्यूमन वेलफेयर, इंसानी फलाह बहबूद। जो मार्शल है, मार्शल ये कहता है कि इंसान सिर्फ ऐसी एफर्ट्स करे, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करे जो कि उसकी फलाह बहबूद में इजाफा करे, और हर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, हर ऐसी एफर्ट से अवॉइड करे जो उसकी फलाह बहबूद में कमी करती है या उसमें इजाफा नहीं करती। तो इस वजह से अल्फ्रेड मार्शल ने लाइक्स और डिसलाइक्स का कंसेप्ट पेश कर दिया अपनी डेफिनेशन में, जबकि इकोनॉमिक्स लाइक्स और डिसलाइक से मुबर्रा है, इससे बालातर है। और उसने ये कहा था कि ऐसी चीज़ों को लाइक करें जो आपकी वेलफेयर में इजाफा करें, ऐसी चीज़ों को डिसलाइक करें या ना हासिल करें जिससे इंसान की फलाह बहबूद में इजाफा नहीं होता। नंबर फाइव, नो मेंशन ऑफ रिक्विजिट्स डिक्रीजिंग वेलफेयर, यानी ऐसे रिक्विजिट्स का जिक्र नहीं है जो वेलफेयर में कमी करती है लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। Marshall has mentioned in his definition only those requisites which cause an increase in material welfare, where economics also discuss the requisites which instead of increasing, decreasing welfare. In मिसाल के तौर पर जो डिफेंस का है हमारा, कि डिफेंस के अखराज आते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे मुल्क की हफाजत हो, और लेकिन जब हम उसी असलहे का, उन मिसाइल का दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं उससे ह्यूमैनिटी किल होती है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक ये है कि क्योंकि इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा है असलहे से, और जो मिसाइल हैं, जो एटम बम हैं, जो मुख्तलिफ किस्म का के जंगी साजो सामान है, लेकिन ये सारी चीज़ें वेलफेयर में इजाफा नहीं करती, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल है।
इसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में रॉबिन्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल कर सके, इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जज़ाकअल्लाह।